नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों के दम पर बिहार में विकास को नए तरीके से परिभाषित किया है। राज्य में आईएएस अफसरों के लिए कुल 410 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल 300 से ज्यादा आईएएस अफसर बिहार में तैनात हैं। कई अधिकारियों के पास तो दो दो तीन तीन विभागों की जिम्मेदारी है। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जब से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली, तब से ही उनके किचन कैबिनेट में पसंदीदा अफसरों की फेहरिस्त काफी छोटी रही। लगभग पूरे देश को पता है कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेसी के खासे पसंदीदा नेताओं में से एक हैं। हालांकि उनको इससे कोई गुरेज भी नहीं है। जब पार्टी की कमान देने की बारी आई, तब भी उन्होंने एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह को चुना, जिन्हें नीतीश कुमार रामचंद्र बाबू कहकर बुलाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 पावरफुल अफसरों के बारे में जिन पर सीएम नीतीश को सबसे ज्यादा भरोसा है। कहा जाता है कि इन अफसरों पर सीएम को अपने मंत्रियों से भी ज्यादा भरोसा है। सबसे पहले बात करेंगे दीपक कुमार के बारे में। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून 2018 को मुख्य सचिव बनाया था। 8 फरवरी को दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए और 1 मार्च से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त कर दिए गए। मुख्य सचिव के तौर पर दीपक कुमार का कार्यकाल फरवरी 2020 तक ही था, मगर 2 बार एक्सटेंशन के बाद उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक हो गया। ये मूल रूप से सुपौल के रहने वाले हैं। दीपक कुमार से पहले अंजनी सिंह मुख्य सचिव थे। अंजनी सिंह के रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया था। दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि दीपक कुमार को तीसरी बार एक्सटेंशन मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस कारण नीतीश सरकार ने राबड़ी सरकार के वक्त के राज्यादेश का इस्तेमाल करते हुए दीपक कुमार को सीएम हाउस में ही एडजस्ट कर लिया। अब बात करते हैं आनंद किशोर के बारे में। बिहार में 2016 से अब तक शिक्षा मंत्री तो बदले, लेकिन बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी आनंद किशोर के पास ही रही। इसके अलावा भी आनंद किशोर के पास 2-3 विभाग और हैं। बोकारो के इस्पात विद्यालय सेक्टर 6 से मैट्रिक पास करने वाले आनंद किशोर ने धनबाद जिले में टॉप किया था। आनंद किशोर ने पटना साइंस कॉलेज में आईएससी में एडमिशन लिया और आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल हुए। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की। इसके बाद उन्होंने 1995 में पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। आईपीएस के लिए उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 1996 में यूपीएससी में पूरे भारत में 8वां रैंक हासिल किया। इसके साथ ही उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ। संजोग से बिहार कैडर भी मिल गया। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तब आनंद किशोर नालंदा के डीएम थे, तभी उनका संपर्क नीतीश कुमार से बना। मुख्यमंत्री के पावरफुल आईएएस अधिकारियों में आनंद किशोर भी शामिल हैं। अब बात करते हैं आमिर सुबहानी के बारे में। आमिर सुबहानी की गिनती नीतीश कुमार के बेहद करीबी और ताकतवर अधिकारियों में की जाती है। वो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से सिवान के रहने वाले सुबहानी 10 साल से ज्यादा समय तक गृह सचिव के पद पर तैनात रहे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया था कि पिछले 10 साल से एक ही आदमी बिहार के गृह विभाग में ओहदे पर है, उसकी तबादला होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी को राज्य के नए विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। साथ ही महानिदेशक बिपार्ड का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। मतलब सुबहानी किचन कैबिनेट में अब भी बरकरार हैं। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सुबहानी के हाथों में ही रहेगी। अब बात करते हैं प्रत्यय अमृत के बारे में। गोपालगंज जिला के रहने वाले प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। प्रत्यय अमृत भी सीएम नीतीश कुमार के बेहद खास अधिकारियों में शामिल हैं। बताया जाता है कि प्रत्यय अमृत ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए शहरों में सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया। जिस निगम के स्टाफ को सैलरी के लाले परे रहते थे, उसे अपनी काबिलियत की बदौलत लाभ में पहुंचा दिया। वहीं निगम के ऑफिस को मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफिस की तरह बना दिया। कर्मचारियों को बोनस का भी फायदा मिलता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।